भाई इधर हेलो मोहम्मद पाशा है। नहीं निकल गए हम लाटू में रुका ही ना वो यार। भाई नाम क्या है? भाई दर्रा जी मेरा नाम बोलिए। मोहम्मद पाशा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये कैसा लगा हमारा? मैं घर को जा रहा था वो अरे पाकिट अरे मार के वो पुकारा तुझे अंदर मार दिया हूँ कोने की। मैं भी तो मैकेनिक का काम करता कहते उसके बाद से घर में घुस रहे सीधा घर में चले जा रहे बोला मुझे सामने किराने की दुकान है घर के सामने वहाँ जा के क्या से स्प्राइट ले लेके जाएंगे ना बोल के सब जने वली में जा रहे थे। वली में गए तो क्या था पूरा अभी पूरे भाग के बहना बहना अब 11:30 के टाइम उन लोग को छोड़ देंगे। मैं क्या सो जाएंगे 3 दिन से जग रहे हैं मतलब सो जाएंगे सुबह फिर काम पे जाना रहता फूलों का काम करता हूँ। अब घब बोल के छुरी निकाला आधे साइड में जरा बोल के दुकान खत्म करके घब बोल के मर गया छुरी से पूरा खून खून। कोई यहाँ बस्ती के भी लोग कोई आ रहे नहीं कोई सब जगह ठहरे पा रहे तो पुलिस स्टेशन को चलो यहाँ कंप्लेंट दे रहे किसको बुलाता बुला वो ये बोल के क्या बोला कंप्लेंट कर क्या करता किसको बुलाता बुला किस फिर गांड में दिखता था मैं जाके बोल जा पुलिस वालों को बोल जा कुछ भी वो पुटे को अपन देखे भी नहीं आज तक वो मैकेनिक का काम करता कहते बाजू नाव दे मंगला तू कूने रहे भाई तेरे को पहचाना भी नहीं कहीं को घस ले रहा उसके बुरा अब उन्हें मंगला पहचानते ही नहीं दादा। मैं अपन रात में जाते सुबह निकल जाते घर में जाते सीधा जाते मैं आगे 3 साल वहाँ से फूलबाग में रहते हैं कारोबार है आपका फूलों का कारोबार। सर इसकी वजह क्या है आपको मानने वो समझ में नहीं आ रहा मैं उसको बोल के ना करिए क्या नाम है हमारे सोलह में उसका नाम ही नहीं मालूम मेरे को उसके सेठ का नाम मालूम कौन किसके ने काम करता है क्या नाम है जी इसके सेठ का फैयाज भाई फैयाज फैयाज